मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिवालय में आज बैठक लेंगे। बजट घोषणाओं की क्रियान्वयन को लेकर यह मंथन किया जाएगा। आपको बता दें कि बैठक में सभी विभागों के सचिव भी मौजूद रहेंगे। ये अहम बैठक होगी। आज बजट घोषणाओं की क्रियान्वयन को लेकर मंथन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिवालय में बैठक लेंगे और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ एवं संवाददाता दिनेश कसाना। दिनेश बताएं, आज अहम बैठक होनी है और क्या क्या इस बैठक के बाद सामने आ सकता है और कौन कौन इस बैठक में मौजूद होगा? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये बैठक लेंगे सचिवालय में 11:30 बजे ये बैठक होगी और इस बैठक में सभी विभागों के जो सेक्रेटरीज हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बजट में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से घोषणा की गई थी, 500 के करीब घोषणा है इस बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से की गई थी, उन बजट घोषणाओं का अभी तक कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, एक एक विभाग से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरा फीडबैक और ब्यौरा इस बैठक में लेंगे। ऊर्जा विभाग में बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से की गई थी जिसके तहत 100 यूनिट तक बिजली फ्री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से की गई थी। इसके साथ ही कृषि कनेक्शन देने की घोषणा की गई थी, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो कितनी घोषणाएं अभी तक अधूरी है और क्या उन पर कार्य अभी तक विभाग की ओर से हो रहा है। इसके अलावा मोबाइल फोन देने की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से की गई थी कि जो परिवार है, परिवार के महिला मुखिया है, उनको मोबाइल फोन एंड्रॉयड मोबाइल फोन दिया जाएगा और 3 साल तक डेटा फ्री दिया जाएगा। तो इस तरह से ये घोषणा भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से बजट में की गई थी। लेकिन इस माह में कहा जा रहा है कि इस माह में प्रथम जो चरण में मोबाइल वितरण का कार्य है वो शुरू हो जाएगा, तो उसका भी फीडबैक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लेंगे। इसके साथ चिरंजीवी की बात हो या फिर और जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से घोषणा की गई हो, मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना के तहत 2 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए प्रति लीटर दुग्ध पालकों को देने की बात थी, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात थी जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से की गई थी, चिरंजीवी में 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक का इलाज है, बीमा बहुत सारी बीमारियों में जिनमें ज्यादा खर्च आता है उनमें भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से अलग अलग समय पर घोषणाएं की गई थी। बजट में जो मुख्य रूप से घोषणाएं की गई थी उनका पूरा फीडबैक इस बैठक में लेंगे, तो सभी विभागों के जो सचिव हैं वो मौजूद रहेंगे। सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में ये बैठक होगी और इस बैठक के जरिए एक